असल में ये चैनल जो बच्चे चला रहे हैं और जो बच्चे इसे हैंडल करते हैं, उन्होंने मुझे कुछ सवालात जो फेसबुक वगैरह पे जो हमारे व्यूवर्स हैं उनमें से किसी ने किया है, तो वो सवाल मुझे बताया गया कि ये सवालात हैं, मैं जवाब उसका दे रहा हूँ। एक सवाल तो ये था कि जो रोज़ जानवर कटते हैं जिसे हम खाते हैं, क्या वो भी जन्नत में जाएंगे? मैं बताने ये चाहता हूँ कि चाहे वो हों जो रोज़ हम काटते खाते हैं, या फिर बकरीद में जो जानवर कटते हैं जो हम अल्लाह के नाम पे ज़िबा करते हैं, जन्नत ईमान वालों के लिए बनी है, वहाँ ईमान वाले ही जन्नत में जाएंगे, और जो जानवर यहाँ काटे जाते हैं वो अल्लाह की राह में शहीद किए जाते हैं, अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाते हैं। हदीस और रवायतों से सिर्फ ये पता चलता है कि चार जानवर ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा, लेकिन वो भी जानवरों की शक्ल में नहीं जाएंगे, उन्हें इंसानों की शक्ल में करके तब्दील फरमा के अल्लाह उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। तो जन्नत तो इंसानों के लिए, और दुनिया में जो चीज भी अल्लाह ने पैदा की है ना, वो हमारे फायदे के लिए, हमारी खुराक के लिए या हमारे इस्तेमाल के लिए पैदा की है। जन्नत और दोजख के जो मुकल्लफ हैं वो इंसान और जिन्नात हैं, वो जन्नती होंगे वो जहन्नमी होंगे, बाकी जानवरों पे ना कोई शरीयत है ना कोई कानून है कि हम उन्हें जन्नती और जहन्नमी होने की बात कहें। और वो चार जानवर जो जन्नत में जाएंगे भी इंसानों की शक्ल में, उन्हें सिर्फ इसलिए कि वो नेकों के साथ रहे और उन्होंने नेकों की सोहबत अख्तियार की। इस वजह से परवरदिगार आलम उन चार जानवरों को जन्नत, जैसे हजरत असहाब कहफ का कुत्ता, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जिसका जिक्र कुरान में है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गधा, और हज़रत हमारे और आप सब के आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऊँटनी कस्वा, ये चार जानवर ऐसे हैं जो जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन इंसान की शक्ल में जाएंगे, जानवर की शक्ल में नहीं जाएंगे। और दूसरा सवाल ये था कि एक और ये है कि लेडीज गोल्ड चेन में बैक साइड हिंदू लोगो ओम लिखा हुआ है, ओम मींस पेंडल में, तो क्या उस ज्वेलरी को पहनकर नमाज हो जाएगी? देखिए, इस्लाम में तस्वीर मना है, तस्वीर की कोई चीज आप जेबतन करके या पहनकर नमाज पढ़ें तो उस नमाज में मकरूह तहरीमी होगी या वाजिबुल अदा होगी या जो भी मसला मुफ्ती साहब बताएं, उस नमाज में खलल होगा। लेकिन ओम कोई तस्वीर नहीं है, वो एक शब्द है, और शब्द जो होता है उसको अगर आपने पहना हुआ है अंदर है तो उस पे नमाज पढ़ने में कोई कराहियत तो नहीं होगी, लेकिन ताजीमन अगर आपने उसे पहना, एहतरामन नियत के साथ अगर आपने पहना है तो फिर ये तो हद कुफ्र तक पहुंच जाएगा। ताजीम और तकरीम की नियत ना हो और ऐसे आपने पहना और अंदर ओम लिखा हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा अगर होगा तो मकरूह तंजीही का हुक्म होगा कि एहतियात ये करे कि ना पहन के पढ़े, लेकिन अगर पहन के पढ़ लिया तो नमाज होने में कोई हर्ज नहीं। एक और बड़ा दिलचस्प सवाल एक साहब ने किया है, और उन्होंने ये कहा कि कोई नाबीना साहबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माथे की आंखों से देखा ही नहीं, अगर कोई नाबीना साहबी और उन्होंने हुजूर को माथे की आंख से नहीं देखा तो साहबी का दर्जा कैसे हासिल होगा? देखिए, असल बात ये होती है कि जैसे रोज़ा फ़र्ज है ना हर ईमान वाले पर रोज़ा फ़र्ज है, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो उसके बारे में रुख्सत है, वहीं कुन तुम मर्दा वाला सफ़रीन, अगर तुम बीमार हो या मुसाफिर हो तो बाद में कज़ा कर लो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी ज़्यादातर लोग बीमार ही हैं और सभी छोड़ दें,
मुराद ये नहीं है। अक्सरियत पर हुक्म लगाया जाता है, अक्सरियत पर, मेजॉरिटी पे हुक्म लगता है। जिसे नमाज फर्ज है, सब पे फर्ज है, और खड़े होकर कयाम भी फर्ज है। कयाम नहीं करेंगे नमाज नहीं होगी, इसलिए कि नमाज में कयाम फर्ज है। मगर अब अगर कोई माजूर है जो कयाम कर ही नहीं सकता, खड़ा ही नहीं हो सकता, तब उसके लिए एक बैठ के पढ़ लो, तो उसका बैठना भी खड़े होने वाले के हुक्म में है। अगर वो बैठ भी नहीं सकता, सिर्फ बिस्तर पर लेटा हुआ है, तो लेटे लेटे नमाज पढ़े, उसका लेटना खड़े होने वाले के हुक्म में है। इसी तरह जो ये कैद लगाई जाती है कि जिसने ईमान की हालत में माथे की आंख से सरकार का दीदार किया हो वो सहाबी है, लेकिन अब अगर कोई माजूर है, उसकी आंख ही नहीं है, नाबीना है, तो वो हुक्म में सहाबी के होगा ना, हुक्मन सहाबी माना जाएगा। इसलिए कि उसका सुनना, उसका मजलिस में बैठना, उसका आना जाना, अल्लाह के रसूल से मुसाफा मुआनिका करना ही उसके देखने की दलील मानी जाएगी, देखने वालों की तरह माजूर है। और सच्ची बात यह है कि सहाबे किराम की जो देखने की जो सिफत बयान की है, बेशक माथे की आंख से देखा हो, लेकिन जो नाबीना होते ना, उनको अल्लाह ताला एक दूसरी आंख देता है जिससे वो महसूस करते हैं, देखते हैं, उनका एहसास ही उनकी आंख है। और कुरान करीम में तो सुनने के ताल्लुक से भी तो आया है, अल्लाह ने फरमाया सहाबे किराम की जो सिफत बयान की है तो उसमें ये भी तो है कि समयना मुनादियन युनादी लिल ईमान अनामनु बिरब्बिकुम फामन्ना, हे अल्लाह हमने सुना कि एक निदा करने वाला, एक पुकारने वाला, अल्लाह का मुनादी अल्लाह की तरफ आवाज दे रहा है, हमने सुना, फामन्ना, हम ईमान लाए। ये भी साहबा की सिफत है कि सुनकर ईमान लाए। एक नाबीना अगर देख भी नहीं पा रहा है तो कम से कम सुन तो रहा है अल्लाह के रसूल की आवाज को, तो उसका सुनना भी देखने वाले के बराबर माना जाएगा जनाब। और वो सहाबी रसूल ही है, उसका दर्जा सहाबियत में कोई कमी नहीं होगी उसके दर्जे में। अस्सलाम वालेकुम।